गुड मॉर्निंग क्लास 5. टुडे वी विल डू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.5. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. मींस यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ बाय डिवाइडिंग द नंबर विद द प्राइम नंबर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज 39 एंड 12. सो फर्स्ट वी विल डिवाइड 39. लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ वन लाइन. 39 आप यहाँ लिखोगे. नाउ इट कांट बी डिवाइड बाय 2. सो 3. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. Now what comes? 13. 13, it is also a prime number, so it is divided by only 13. 13 1 जा 30. Next is 12. Now, 2. 2 6 जा 12. 2 3 जा 6. 3 1 जा 3. यहाँ पे आपको नंबर लिखना है. दिस साइड यू विल राइट द नंबर बाय विच यू विल डिवाइड. जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे वो नंबर इस साइड. उसके बाद नीचे क्या लिखते चलोगे, इस नंबर को इससे डिवाइड करने पे, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा. तो आपको यहाँ क्या लिखना है, 6. नाउ अगेन 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा. तो वो आप यहाँ पे लिखोगे. क्लियर? नाउ अबाउट एचसीएफ. सो 39 इक्वल्स टू 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 13. 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. एस सी एफ मीन्स हाइएस्ट कॉमन. सी स्टैंड्स फॉर कॉमन. सो कॉमन इज 3. वट इज कॉमन? 3. सो एच सी एफ इज इक्वल्स टू एच सी एफ ऑफ 39 एंड 12 इज 3. राइट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट 70 एंड 58. नाउ 70, सी लास्ट टर्म 0 है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10. नाउ लास्ट में 5 है, डिवाइड बाय 5. बट रिमेंबर वन थिंग, यू विल डिवाइड ओनली विद द प्राइम नंबर्स. 5 7 जा 35, 7 1 जा 7. 7 ऑल्सो अ प्राइम नंबर. नाउ 58, अगेन लास्ट नंबर इज इवन नंबर, सो वी विल डिवाइड इट विद 2. 2 2 जा 4, 1 गोज कैरी 18, 2 9 जा 18. राइट. नाउ 29, 29 भी क्या है हमारा प्राइम नंबर, इसी के टेबल में नहीं आता. 29 डिवाइड बाय 29. क्लियर? नाउ 70 इक्वल्स टू 2 5 7 एंड 58 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 29. नाउ कॉमन इज 2. सो एच सी एफ ऑफ 70 एंड 58 इज. Right. Now, C part. Third question is HCF of 132 and 680. Same like this. Last digit is even, divide by 2. 2 6 are 12. 1 2 6 are 12. 2 3 are 6. 2 3 are 6. Now we divide by 3. 3 1 are 3. 3 1 are 3. Next, same as it is, 680 divide by 2. 2 3 are 6. 2 4 are 8. 0 as it is. 2 1 are 2. 3 minus 2, 1. Then you take 4. 2 7s are 14, 0 as it is. 2 8s are 16, 1. 2 5s are 10. It goes on 5. 5 1s are 5. 5 7s are 35. 17 1s are 17. Now common are 132 equals to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 11. 680 equals to 2 multiply 2 multiply 2 multiply with 5 multiply 17. So common are 2 and 2. Multiply this word 2 to 4. So HCF of 132 and 680 is 4. Next, 84 and 92. Same you will divide with 2. Here you will write the common numbers. So the HCF of 84 and 92 is 4. Same for 3. 34, 51, 102. Divide with such like this. 34 equals to 2 multiply 17.
When you divide 34, 2 multiply 17, 51, 3 multiply 71 under 2, 2 multiply 3 multiply 17. So the HCF of 34, 51 and 1 under 2 is 17. Same for the next, here HCF is 13. Clear? Now come to question number 2. Find the HCF by division method. So HCF by division method equals to, when you find HCF by division method, see, you have to take both the numbers together. आपको दोनों numbers को एक साथ ऐसे लिखना है. 32, 28. In between both, what comes? Comma. Now, they both are dividing with 2. So, divide with 2. 2 ones are 2, 2 6 are 12. 2 ones are 2, 2 4 are 8. Next, they both can be divided with 2 also. 2 8 are 16, 2 7 are 14. Now, see. अब हम इन दोनों को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. कोई भी ऐसा सेम नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे. सो HCF यहीं तक होगा आपका. HCF ऑफ 32 एंड 28 इज 4. लाइक नेक्स्ट नंबर बी पार्ट इज 72, 56. नाउ सेम 72, 56. सी बोथ नंबर आर इवन. Divide with 2. 2 3 is 6. 1 2 6 is 12. 2 2 is 4. 1 2 8 is 16. Now once again with 2. 2 1 is 2. 2 8 is 16. 2 1 is 2. 2 4 is 8. Again 2 9 is 18. 2 7 is 14. Now further. कोई टेबल ऐसा नहीं है जो 9 और 7 को एक साथ डिवाइड करे. So HCF is HCF of 72, 56 is 2 multiply 2 multiply 2. 2 2 is 4, 4 2 is 8. Right? Now next part is, next number is 108 and 135. Same you will divide like this. सी आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. एक नंबर की लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर है और एक की ओड है. सो ट्राई विथ 3. 3 3 इज 9. 10 माइनस 9 1. टेक 8. 3 6 इज 18. 3 4 इज 12. 3 5 इज 15. वंस अगेन 3 1 इज 3. 3 2 इज 6. 3 1 इज 3. 1 3 5 इज 15. 3 4 is 12, 3 5 is 15. Now no common table. So HCF is of 108 and 135 is 3 multiply 3 multiply 3. 3 3 is 9, 9 3 is 27. Clear? Now D part. 105 and 21. Same, try to divide with 3. Can't divide with 2. 3 3 is 9. 1 3 5 is 15. 3 7 is 26. Now it 35 jo hai wo 7 se divide ho sakta hai. 7 5 is 35. 7 1 is 7. Clear? Ab aap 5 ko nahi likh sakte kyunki 5 hamara common nahi hoga. So now HCF of 105 and 21 equals is 3 multiply 7 equals to 21. Clear? Now E part. HCF of 378, 320
and 280 is 2. Right, now F part that you will do yourself. Next is, what is the HCF of 2 consecutive number? Third question, HCF of 2 consecutive number is 1. 2 consecutive odd number, that is also 1. 2 consecutive even number is 2. And 2 prime numbers is 1. Now next question, fourth is, find HCF of the following by observation without any calculation. Now see, they both are 2 consecutive number, so HCF is 1. And how you will write? A part, HCF equals to 1, 259 in bracket you will write, and 258 are consecutive number. Right, next is 735, 733, HCF is 1, same what you will write, 735 and 733 are pair of consecutive odd number. 735 and 733 are pair of consecutive odd number. Next is 434 and 432. These are the pair of consecutive even number. So HCF is 2. 434 and 432 are pair of consecutive even number. Right? Even number. Next, D part is 49 and 97. HCF is 1. 49 and 97 are pair of consecutive prime numbers. Right, this is the solution of complete exercise 4.5.